सभी उतरेंगे। ओ वेलकम गाइस, आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। सो गाइस, आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ अपनी छत से हमारे प्लांट्स के साथ। इससे कितने खुश हो लग रहे हैं ये भी। सो गाइस, मैं तो इतना ज्यादा खुश हूँ ना, मेरा नाचने का मन कर रहा है। क्योंकि गाइस, अभी हम बाजार से आए थे तो मैंने पापा को कहा, पापा आउटलेट जाना मुझे, तो पापा कहते नहीं, हम आउटलेट नहीं जाएंगे, हम ना कहीं और चलते हैं जो बहुत फॉरेन कंट्री के जैसा बना हुआ है। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना कि हम फॉरेन कंट्री वाली जगह ऐसी कहाँ पे जा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे बनी हुई है। तो मेरे चाचू मुझे लेने आ रहे हैं, देखते हैं गाड़ी में जाएंगे या हम स्कूटर या बाइक पे, तो आपको वो दिखाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। सो गाइस, अब हम जाएंगे वहाँ पे, वो साइड पे मेरा क्रिसमस ट्री भी पड़ा है इधर, वो देखो वो स्टार चमक रहा है ना। सो फिर हम अपना मतलब वो सब कुछ लेके वहाँ पे मस्ती करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो जगह पे क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में बहुत देखा होगी वो चीज़, मैंने 2-3 व्लॉग उसके ऊपर डाले हैं, आपने देखी तो होगी, बट आप गेस जरूर करना। अब मैं आपको बता नहीं रहा। सो गाइस चलो अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हर वीडियो में इतना प्यार देते हो, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इस वीडियो में भी पूरा बहुत ज़्यादा प्यार देना मुझे, और मेरी वीडियोस को लाइक करना, और इन प्लांट्स के लिए भी लाइक जरूर कर देना। मुझे बुलेट की आवाज़ आ रही है, तो देखते हैं कि कौन है। सो गाइस, मेरे चाचू बाहर लगता आ चुके हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो कि जो मेरे चाचू है वो आ चुके हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आज का हमारा क्या सीन है। आप इधर देख सकते हो, हम इस बुलेट पर जाएंगे। तो चाचू हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आप सभी को वहाँ पे चल के दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ है और जो वहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। सो गाइस, जो मैंने आप पे सस्पेंस रखा था वो मैंने गलती से अपने चाचू से पूछ लिया और उन्होंने आंसर बता दिया उसका। तो कोई बात नहीं, आप फिर भी कमेंट में लिख देना आपको क्या है। कोई बात नहीं, लिख देना आप एक बार, तो मुझे पता तो लग जाएगा कि आप सभी को पता लग गया ना वैसे देख के भी। सो गाइस चलो अब चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं। गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हम आउटलेट जा रहे हैं ऊपर रॉयल एनफील्ड पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट बाइक है। फॉरेन कंट्री में तो हम पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं हमारे बरनाला की फॉरेन कंट्री। सो गाइस, अब हम हमारी फॉरेन कंट्री में पहुंच चुके हैं। सो गाइस, अगर आप सभी का बजट ना हो फॉरेन कंट्री में घूमने का, तो यहाँ पे चले आओ और आप सभी को यहाँ पे पूरा फॉरेन कंट्री का व्यू मिलेगा, जो बहुत सुंदर बना हुआ है। और ये देख, स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है, करते हैं शुरू। पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हैं। आप देख सकते हो इधर जो ये साइड है वो सारी नई लग रही है, फाउंटेन है, बर्गर की, सो बहुत अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स है। और भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स हैं, जैसे मैक्स है और चूड़ियो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप सभी को आगे आगे सारे दिखाता हूँ, जिस तरह आप देख लो। अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो मैंने यहाँ से देखा जब हमने उतरे हम बुलेट से, देख सकते हो यहाँ पे बोटिंग एरिया बन चुका है जो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बोट्स हैं, जेट्स की भी है, तो आप सभी को वो भी दिखाएंगे। आप देख सकते हो कितनी बड़ी लेक है और वहाँ से शिप भी आ रही है, वो बहुत अच्छी देखने वाली चीज़ है, तो आप सभी को मैं दिखाता हूँ। और भी नई नई चीज़ें आप सभी को दिखाएंगे, तो आप इसमें ये देखो। बोट आ रही है, देखो तो कितनी ज़्यादा इसमें भी भीड़ है और कितने सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की शिप्स हैं। आप सभी को लग रहा होगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं। सुबह से हमारे बरनाला में आउटलेट बना हुआ है, इसमें ये बोटिंग एरियाज हैं।
तो गाइस ऐसी शिप्स वगैरह दुबई में ऐसी फॉरेन कंट्रीज में होती हैं, हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं बनी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सब कुछ देख लो और आपको मैं दिखाता हूँ और भी नई नई चीज़ें। व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को बहुत सारा कुछ दिखाना है इस व्लॉग में। बहुत मज़ा आ रहा है वहाँ पे आके, जो बोटिंग देखने में मज़ा आ रहा है। सो बस बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आप सभी को पहले भी दिखाई हुई है, बोटिंग और यहाँ पे और भी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। वहाँ पे देख सकते हो वो बैलून से टाइप का, उसके अंदर जाना होता है और ये वो पानी में छोड़ देते हैं। चलो वहाँ पे आपको पास से दिखाते हैं सारी चीज़ें, तो चलो चलते हैं। आप सभी देख सकते हैं बैलून है जो मैंने आपको दिखाना था, पास से आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी शिप्स है, देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ सभी चीज़ें को देख के। बैलून हैं और भी बहुत अलग अलग तरह की बोट्स हैं जो देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे पीछे पब्लिक कितनी है, यहाँ पे सभी आते हैं घूमने के लिए और देखने के लिए यहाँ पे क्या कुछ है, और बहुत मज़ा भी आ रहा है मुझे भी यहाँ पे आके। और अभी उधर लोग जेट स्की चलाएंगे, आप पीछे देख सकते हो वो तैयार हो रहे हैं अपनी लाइफ जैकेट वगैरह डाल के, जो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं कि वो कैसे चलाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो वो जेट स्की बाइक, वो बड़े चलाते हैं। सो गाइस मैं छोटा हूँ, मैं इस बाइक को नहीं चला सकता। सो गाइस ये बहुत मतलब डेंजरस भी होती है और जो बहुत तेज भी चलती है। पीछे देख सकते हो वो बैठने लगे हैं, ये बाइक है। और आप सभी को दिखाते हैं कि कैसे चलाएंगे और कितना पानी उड़ेगा, वो देखने वाली चीज़ है। इतनी अच्छी लग रही है, मुझे इन सभी को देख के इतनी खुशी हो रही है। चलाने में डर लगता है, बस देख के दिल भर लेता हूँ कि खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ को देखने में। और गाइस चलाने में डर लगता है क्योंकि वो बहुत तेज़ चलाते हैं, ये स्लो नहीं, स्लो में मज़ा नहीं आता इस चीज़ में। तो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं इसको चलाऊँगा, अब तो मैं देख के मन भर लेता हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है इस चीज़ से। आप सभी को इस चीज़ को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हम फॉरेन कंट्री में घूमे हैं। हमारे बरनाला में आउटलेट में सारी चीज़ें विजिबल हैं जो हम देख सकते हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे लाइफ जैकेट्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये सभी को डाल के ही भेजते हैं अंदर। और आप देख सकते हो जेट्स की चल रही है, उनकी भी लाइफ जैकेट डाली हुई है, कितनी टेस्ट होती है, बहुत अच्छी लग रही है। किसी को कितना अच्छा लग रहा है, उधर एक वो शिप है और उधर जेट्स की भी चल रही है, और यहाँ पे छोटी छोटी बोट्स टाइप की हैं पैडल्स वाली। और इधर आप देख सकते हो मोटर बोट आ चुकी है, कितनी अच्छी है, सभी ने जैकेट पहनी है। वो आ चुकी है हमारी जेट स्की, देख सकते हो कितनी तेज चल रही है, कितनी सुंदर लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में। आप सभी भी देख लो, वो देख सकते हो कैसे घुमा रहे हैं, वो स्टंट्स वगैरह कर रहे हैं।
के लिए लाइफ जैकेट्स हैं, छोटा बच्चा हो जाए बड़ा हो सभी के लिए लाइफ जैकेट्स हैं। कोई गिरे तो कोई डूबे ना, तो थोड़ी सी तो इस चीज़ों में डर होता है, तो इसलिए लाइफ जैकेट्स होती हैं। तो गाइस चलो अब हम यहाँ से आपको और चीज़ें दिखाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे बोट रुक चुकी है और पब्लिक कितनी है, अभी सभी उतरेंगे आप सभी को जैसे मैंने दिखाया है। अभी इन्होंने बोट यहाँ पे खड़ा दिया है और आप सभी को मैं और कुछ तो दिखा नहीं पाया, जो यहाँ पे चेंजेस थे नए नए मैंने आपको वो सारा दिखाया। आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे बोट रुक चुकी है और पब्लिक बहुत है। अंदर जा रहा हूँ और आप सभी को लेकर जा रहा हूँ। और बहुत अच्छी भी है, हम पार्टी भी कर सकते हैं इसमें, और इसकी चार्जेस कुछ ज़्यादा भी नहीं है। गाइस जो इस शिप के चार्जेस हैं पर पर्सन 200 रुपीज़ हैं और बहुत अच्छी भी है। आप सभी को जैसे मैंने दिखाया, और इधर जो सारी लाइफ जैकेट्स पड़ी हैं बच्चों के लिए, छोटे-छोटे बॉक्स हैं जो यहाँ पे चलाने के लिए हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके चार्जेस तो हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे कोई बोर्ड लगा होगा जिस पर लिखे होंगे आप सभी को वो भी दिखा देंगे, आप कभी भी आ सकते हो। भाई जी हमारे जैसे छोटे बच्चों के लिए बैलून हैं जो हम इसके अंदर जाएंगे और ये पानी में रोल रोल घूमेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बना हुआ है। सो गाइस अब मैं वो जो बॉल थी उसमें मैं झूठा लेने वाला हूँ, देखते हैं कि उसके अंदर मैं जाऊँगा उसको रोल रोल घुमाऊंगा, तो चलो चलते हैं आपको दिखा। सो गाइस हमारे चाचू, मेरे चाचू जो टिकट लेके उसकी आ चुके हैं, लगता है वो देख सकते हो आ चुके हैं, तो चलो उस पर बैठ के आप सभी को मैं टिकट दिखाता हूँ सबसे पहले। सो गाइस चलो आ जाओ। गाइस आप सभी को मैं इस चीज़ की टिकट दिखाता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये इसकी टिकट है, पर पर्सन की 200 रुपीज़ है, तो इसके अंदर जाएंगे और मस्ती करेंगे, तो चलो चलते हैं। सो गाइस मैं इसके अंदर फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, तो चलो इसमें बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है इसमें, तो चलो चलते हैं। सो गाइस पहले मुझे पता लगा था कि इसमें कपड़े वगैरह दिए होंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप अगर आपके पास कपड़े होंगे भी नहीं आप तो भी यहाँ पे आ सकते हो।
बहुत अच्छी चीज है, बहुत खुशी हो रही है, इसके अंदर मजा बहुत आ रहा है। सो गाइस अब मैं इसको पूरा राउंड घुमाता हूँ तो आप सबको दिखाते हैं। और गाइस क्या हाल चाल है, जय तो अपनी राइड में थोड़ा सा बिजी हो गया है। आप देख सकते हो कि पीछे जो मेरे पीछे जो बॉल नजर आ रही है उसके अंदर गोल गोल घूम रहा है और मस्ती भी कर रहा है। और भी जय कैसा मजा आ रहा है? बिल्कुल आपको बता दूं, अगर इस जगह पे आपने आना हो बिल्कुल देखने में लगता है भी, आप देख सकते हो मेरे पीछे जो लोकेशन नजर आ रही है उस लोकेशन को देख के लगता है भी हम किसी ना किसी फॉरेन कंट्री में आ गए, क्योंकि जिस तरीके की ये मार्केट बनी हुई है, जिस प्लेस बना हुआ है। बनाला से जब बठिंडा रोड पे हाईवे पे जाएंगे तो गांव हंडियाया के पास ये आउटलेट बना हुआ है, तो आप देख जब भी आपने आना हो तो यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी अच्छी लोकेशन है और काफ़ी कुछ देखने के लिए, काफ़ी अच्छा इंजॉय भी यहाँ पे हो जाता है। और मेरा मित्र गुरप्रीत, मेरा साधा गुरप्रीत, कैसा लग रहा है यार, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा फर्स्ट टाइम, मतलब ये चीज़ तो अपना आके देखेगा, तो दूरों तो बहुत देखा जी, सुने बहुत सीखा, पर अच्छे देखे तो अच्छे बहुत मजा आ रहा है। गुरप्रीत अपने पीछे जो लोकेशन देख के लग रहा है भी आप बरनाले के बीच हैं, एक छोटे जे शहर के बीच हैं, या लगता भी आप कित होर पर हैं? नहीं नहीं भाई जी, तो ऐं ज्यादा ऐं पिछे तो देखे, देखना पैंदा भी की गल कित्थे जा गए, कित्थे जा गए वाला सीन है। इन सोहने मतलब लुक वाइज बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, बनाया इतने मतलब सारे ब्रांड ने गे, कपड़े का, खाने पीन का, जो भी मतलब बंद ने कोई चीज़ लैनी हैगी तो मतलब कह सकते हैं, पर बंद ने एक सामने गड्डी आपकी स्टॉप करके, गड्डी पार्किंग करके, तो सारी विजिट करके बंदा आपकी जो भी शॉपिंग करनी है, उन्हें शूज़ तो लैके, कपड़े तो लैके, कोई होर खाने पीन तो लैके, कोई भी आइटम मतलब करनी है, बंद ने कोई गेम वगैरह करनी है, कोई फंक्शन करना है, तो बंदा इतने कर सकता है। फिर इसके अंदर जाके तो बहुत मजा आया, बहुत खेला, जंपिंग किया, उसको राउंड राउंड घुमाया, तो चलो फटाफट अब शूज डालते हैं और अब और कुछ देखते हैं यहाँ पर और आपको घुमाते हैं। बस आ रही है, ये हमारी लंदन बस होती है जो लंदन में चलती है, वो हमारे आउटलेट में बच्चों के लिए भी ये बस चलती है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, छोटी सी बहुत अच्छी है ये लंदन बस, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है और बहुत बच्चे भी बैठे हैं, नीचे बैठने वाले भी है, ऊपर बैठने वाले भी है। सो गाइस देख सकते हो कितनी अच्छी है ये शिप, और शिप कह गया गाइस बस। सो गाइस मैंने आप सभी को ये वाटर लोकेशन सारी दिखा दी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्मैश, जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे स्मैश है, यहाँ पे गाड़ी चलती है बाहर, और आप देख सकते हो अब क्लियर दिख रहा होगा, पहले वाइट वाइट सी आ रही थी, तो अब देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहा है। स्मैश भी है यहाँ पे, दावत रेस्टोरेंट और बहुत स्मैश गेमिंग, और चलो अंदर चलते हैं और आपको न्यू न्यू गेम्स दिखाते हैं इसके अंदर, तो चलो चलते हैं। गाइस अब मैं स्मैश के अंदर जा रहा हूँ, आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर तुर के अंदर जा रहा हूँ और आप सभी को मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे गाड़ी का ट्रैक है, यहाँ पे गाड़ी भी चलती है बाहर, सुबह से यहाँ पे मैंने पूरी सेफ्टी से चलवाई होती है, यहाँ पे स्पीकर लगे और यहाँ पे गाने चल रहे हैं, तो देख सकते हो उन्होंने गाना स्टॉप कर दिया था पहले मैं बोल रहा था, तो बहुत अच्छा है यहाँ का। चलो चलो अंदर चलते हैं, आप सभी को सिस्टम पूरा दिखाते हैं अंदर का। मेरा होना शुरू हो गया, यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो गई चलनी, वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे गो कार्टिंग का ट्रैक है, यहाँ पे गो कार्टिंग इतनी सारी खड़ी है, तो यहाँ पे बड़े चलाते हैं, छोटे नहीं चला सकते, गो कार्टिंग है। और यहाँ पे ट्रैक में बहुत तेज तेज गड़ गए थे, यहाँ पे बहुत न्यू न्यू चेंजेस गेम में आए हुए हैं, तो चलो चलते हैं, चलो आप सबको दिखाते हैं। Yeah.
चलती है, तो बहुत सुंदर सुंदर अमेजिंग अमेजिंग यहाँ पे गेम्स हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे देखने वाला, तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। Thank you for watching for new vlog. So bye and take care.